अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सेफ सिटी टीवी और मैं हूं आजिल हसनात। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का एक और वादा पूरा। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के महफूज खवातीन विजन पर अमल दरामद। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की खवातीन अफसरान के लिए हॉस्टल की तामीर का आगाज। अराकीन कौमी और पंजाब असम्बली का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा। SSP रिफत बुखारी और ऑपरेशन कमांडर मोहम्मद शफीक अहमद ने वक्त को इदारे की वर्किंग बारे ब्रीफिंग दी। 50वें कॉमन में शामिल जेर तरबियत ASPs का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नौजवान ASPs से जारी ट्रेनिंग सेशंस बारे दरियाफ्त किया और अमली पॉलिसिंग के चैलेंजेस बारे आगाही दी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन के अहले खाना की वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ अज़ला फील्ड फॉर्मेशन में तैनात एहलकारों को अहले खाना के इलाज मुआवजे के लिए 16 लाख रुपये जारी। पंजाब भर से गुज़श्ता 24 घंटों में पुकार 15 सेंटर में 70,957 एमरजेंसी कॉल्स मौसूल हुई। 5,548 कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्ड किया गया, जबकि 52,581 कॉल्स गैर जरूरी करार दी गई। गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 5,532 इलेक्ट्रॉनिक चालान जारी किए गए। वर्चुअल पेट्रोलिंग अफसरान ने कैमरों की मदद से 1,181 मशकूक सरगर्मियों की ऑब्जर्वेशन दी। मियांवाली पुलिस का गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। थाना सदर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक मुलजिम गिरफ्तार, गैर कानूनी असलहा बरामद, मुकदमा भी दर्ज। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने एक और वादा पूरा कर दिया। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की खवातीन अफसरान के लिए हॉस्टल की तामीर का आगाज कर दिया गया। वजीर अला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कुर्बान लाइन में मुख्तिस करदा जगह पर खवातीन के लिए हॉस्टल की मंजूरी दी थी। वजीर अला पंजाब चंद रोज में खवातीन के लिए हॉस्टल की इमारत का संगे बुनियाद रखेंगी। खवातीन का हॉस्टल 200 बेड्स पर मुश्तमिल होगा और एक साल में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर अला पंजाब के खसूसी इनिशिएटिव के लिए 100 मिलियन के फंड्स मंजूर किए गए हैं। सेफ सिटीज अथॉरिटी में काम करने वाली खवातीन पुलिस कम्युनिकेशन अफसरान को रहायश मुयसर होगी। वजीर अला मरियम नवाज शरीफ ने 27 फरवरी को सेफ सिटीज के पहले दौरे पर लेडी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर से हॉस्टल के क्याम का वादा किया था। लेडी पुलिस कम्युनिकेशन ऑफिसर ने हॉस्टल बनाने पर वजीर अला पंजाब का शुक्रिया अदा किया। अराकीन कौमी और पंजाब असम्बली ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी हेडक्वार्टर का दौरा किया। वफ्त में MNA शाइस्ता परवेज मलिक, MNA किरण डार और MPA कंवल लियाकत शामिल थीं। इस मौके पर अराकीन असम्बली का क्या कहना था, देखिए इस खसूसी वीडियो में। अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली शाइस्ता परवेज मलिक, किरण डार और कंवल लियाकत ने पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी में कायम पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वीमन पुलिस स्टेशन का दौरा किया। SSP रिफत बुखारी और ऑपरेशन कमांडर शफीक अहमद ने अराकीन असम्बली को वर्चुअल वीमन पुलिस स्टेशन की वर्किंग और नुमाया कामयाबियों बारे ब्रीफिंग दी। अराकीन असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के स्पेशल इनिशिएटिव्स, वर्चुअल वीमन पुलिस स्टेशन, 15 पैनिक बटन और फ्री वाईफाई सर्विस की कारकर्दगी का जायजा लिया। अराकीन असेंबली ने वज़ीर आला पंजाब के शानदार इनिशिएटिव्स पर उनको मुबारकबाद दी। सबसे पहले तो मैं चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ को मुबारकबाद देना चाहूँगी उनके इस शानदार इनिशिएटिव पर। खवातीन की हिफाजत के लिए, एक बेहतर और महफूज मुआशरा पैदा करने के लिए जो जज्बा और जो एहसास यहाँ नज़र आए, वो एक खातून चीफ मिनिस्टर ही कर सकती थी। किसी भी मुआशरे में औरत महफूज होगी तो मुल्क तरक्की करेगा। मैं समझती हूँ वुमेन सेफ्टी ऐप और जो वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन है, मेरे मोहल्ले वाले, मेरे बच्चे और हर औरत समझेगी कि वो महफूज है। मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद खवातीन समाजी तौर पर, माशरती तौर पर पहले से बहुत ज़्यादा सेफ महसूस कर रही हैं। खवातीन को उनके डोर स्टेप के ऊपर उन्हें सहूलत दी जाती है, उन्हें महफूज होने का एहसास दिलाया जाता है, वो वाकई में काबिले सताइश है। अराकीन असेंबली का कहना था कि सेफ सिटीज की जानिब से खवातीन के तहफ्फुज़ के लिए इकदामात काबिले तारीफ हैं। उन्होंने इस अज़्म का इजहार किया कि वो आगे ही के इस पैगाम को सूबे के कोने कोने तक फैलाएंगी। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ आदिल हसनात, सेफ सिटी TV, लाहौर। 50वें कॉमन में शामिल जेर तरबियत ASPs ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने नौजवान ASP से जारी ट्रेनिंग सेशंस बारे दरियाफ्त किया और अमली पॉलिसिंग के चैलेंजेस बारे आगाही दी।
नौजवान अफसरान ने पुलिसिंग के मुख्तलिफ पेशावराना मूर बारे प्रेजेंटेशन पेश की। इस मौके पर आईजी पंजाब का कहना था कि पंजाब पुलिस इंसदादे जुराइम के साथ साथ कम्युनिटी पुलिसिंग से शहरियों की खिदमत का फरीजा सरंजाम दे रही है। तहफ्फुज मरकज, मिसाक सेंटर्स, तहफ्फुज मंजिल और फोस्टर होम जैसे प्रोजेक्ट से ट्रांसजेंडर्स, खवातीन, बच्चों और माजूर अफराद को मदद व रहनमाई फराहम की जा रही है। एडिशनल आईजी इन्वेस्टिगेशन पंजाब मोहम्मद अदरीस अहमद ने नौजवान अफसरान को इन्वेस्टिगेशन ब्रांच के पेशावराना अमूर बारे लेक्चर भी दिया। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर पुलिस मुलाजमीन के अहले खाना की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़्म। मुख्तलिफ अज़ला फील्ड फार्मेशन में तैनात अहलकारों को अहले खाना के इलाज मुआलजे के लिए 16 लाख रुपये जारी कर दिए। पुलिस मुलाजमीन इंस्पेक्टर मोहम्मद तुफैल, सब इंस्पेक्टर मुरीद अब्बास, ASI गुलाम अली, ASI इफ्तखार हुसैन, कांस्टेबल वहीदुर रहमान, कांस्टेबल खुरम शहजाद, कांस्टेबल मुजाहिद मुस्लिम, सीनियर क्लर्क रफीकुद्दीन को अहले खाना के इलाज मुआलजे के लिए रकम जारी की गई। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक आज मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या रिकॉर्ड किया गया है, जानिए इस रिपोर्ट में। महकमा माहौलियात और सेफ सिटी स्मोग रडार के मुताबिक इस वक्त मजमूई तौर पर लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 124 है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो माल रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 144, पंजाब यूनिवर्सिटी 134 और सेफ सिटीज अथॉरिटी में 131 रिकॉर्ड किया गया। बिलाशुबा स्मोग मुख्तलिफ अमराज का बायस बन रही है, जिनसे बचने के लिए आपको माहिरीन सेहत की इन एडवाइस पर अमल करना होगा। सुबह वॉक पर जाने वाले शहरी स्मोक से बचाव के लिए अपनी रूटीन में तब्दीली लाएं। घर से बाहर निकलते वक्त मास्क और चश्मे का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। दिल या दमे के मरीज, बूढ़े अफराद और बच्चों को स्मोक से बचाने के लिए ज्यादा एहतियात करें। रोजमर्रा रूटीन में ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। घर में सफाई के लिए पानी और गीला कपड़ा जरूर इस्तेमाल करें और कूड़े को हरगिज़ आग ना लगाएं। ये स्मोक में इजाफे की सबसे बड़ी वजह है। आइए हम सब मिलकर अपने माहौल को साफ रखें और स्मोक फैलाने वालों की तला 15 पर दें। साफ माहौल, महफूज लाहौर। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी और पंजाब पुलिस के सोशल मीडिया पेजेस।